मैं हिंदू भूषण आरटीआई कार्यकर्ता बिश्नाह का रहने वाला हूँ। मैं जम्मू प्रोविंस के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हॉनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है प्राइवेट स्कूल के फीस के बारे में, उसमें क्लियर दिया हुआ है कि कोई भी री एडमिशन फीस नहीं ली जाएगी। और हमारे बिश्नाह में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्लियर किया हुआ है कि हम 6,000 रुपया री एडमिशन ले सकते हैं और 1,000 रुपया ट्यूशन फीस ले सकते हैं। मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि क्लास वाइज, जैसे बच्चा फर्स्ट में पढ़ता है तो उसकी 1,000 या 500 फीस लगेगी, अगर वो 12th में पढ़ता है तो उसकी 5,000 या 5,500 लगेगी। मैं जितने भी लोग हैं हमारे बिश्नाह के, जम्मू प्रोविंस के, जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, सारे लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जितनी देर तक फीस फिक्स नहीं हो जाती और प्राइवेट स्कूल वाले अपने जो इनका नोटिस बोर्ड होता है उस पर नोटिफाई नहीं करते हैं फीस के बारे में, कोई भी अपने बच्चे की एडमिशन कराने के पहले इनको कोई एक पैसा भी नहीं दे, और इनकी धांधलियों को रोके, क्लियर करें कि पहले कौन कौन सी फीस है और कैसे कैसे लेनी है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है, इसमें किसी का पर्सनल कोई कुछ नहीं है। तो सर, और क्या क्या ऑर्डर में जो है, जो चीज़ें जो है प्राइवेट स्कूलों को जो निर्देश दिए गए, आप उसके बारे में बताइए थोड़ा। प्राइवेट स्कूल को क्लियर कट ऑर्डर दिया हुआ है कि आप 6,000 ले सकते हैं मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद अगर आप फीस बढ़ानी है तो 6% हर साल बढ़ा सकते हैं। किस हिसाब से, पहले फिक्सेशन कमेटी को बताना पड़ेगा कि हमको जे जे चीज जरूरत पड़ी है। अगर फिक्सेशन कमेटी को नहीं बताएंगे तो इनकी कोई फीस नहीं बढ़ सकती है। और जो भी फीस लेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू, अगर स्कूल मैट्रिक तक है, अगर स्कूल 12th तक है, जहाँ स्कूल 8th तक है, पहले फिक्सेशन कमेटी को बताना पड़ेगा कि हम फर्स्ट क्लास की इतनी ले रहे हैं, सेकंड की इतनी ले रहे हैं, थर्ड की इतनी ले रहे हैं। ये इनको बिल्कुल क्लियर बताना पड़ेगा पहले ZDU ऑफिस को, CA ऑफिस को, डायरेक्ट ऑफिस को, और भी जितनी अथॉरिटीज है सभी को बताना पड़ेगा, उसके बाद स्कूल की एडमिशन कर सकते हैं। और सभी सभी से रिक्वेस्ट है कि जब तक ये स्कूल नोटिस बोर्ड पे नोटिफाई नहीं करते हैं ऑर्डर और नहीं लिख कर लगाते हैं, तब तक कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों की एडमिशन ना कराए। सर, और आपको क्या लगता है कि जो लोग अभी हाल ही में एडमिशन करवा चुके हैं उन्हें अब क्या करना चाहिए? उनको स्कूल में जाना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये जो ऑर्डर हुआ है ये किस बेस पे हुआ है, और उनको ये भी क्लियर, हाई कोर्ट ने ये भी क्लियर कट दिया हुआ है कि 2014 से जितने भी स्कूलों ने ज्यादा पैसे लिए हैं 9% इंटरेस्ट के साथ उनको पैसे वापस करने पड़े, और फंड करेंगे वो। अगर नहीं करेंगे तो कोई भी पेरेंट्स डायरेक्ट ईमेल कर सकता है डायरेक्टर एजुकेशन को, CEO को, जहाँ जितने भी हाई अथॉरिटीज हैं और फिक्सेशन कमेटी है, उनको जो ईमेल कर सकते हैं, टेलीफोन कर सकते हैं, उनकी बराबर सीक्रेसी रहेगी। सर, बुक्स को लेके, यूनिफॉर्म को लेके कोई ऑर्डर में कुछ चीज़ें इसमें डायरेक्शन आप डायरेक्टर ऑफिस से क्लियर कट ऑर्डर है कि कोई भी स्कूल ना तो यूनिफॉर्म बेच सकता है, ना बुक्स बेच सकता है, ना एक्स्ट्रा कोई चीज़ दे सकता है। और ये जो 6,000 की बात कर रहे हैं उसमें भी क्लियर कट दिया हुआ है, पहले जब बताएंगे कि हमको किस लिए ज़रूरत है, कि 5,000 रुपये की ज़रूरत है, जैसे 8th क्लास की बात है, 3,000 की ज़रूरत है, 2,000 की ज़रूरत है, पहले जब बताएंगे कि हमारा उस तरीके से स्ट्रक्चर हम मेंटेन कर सकते हैं, फिर जब फीस लेंगे, ऐसे फीस भी नहीं ले सकते जी। जी सर, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने पिछली बार भी ये मुहिम छेड़ी थी, लेकिन उसमें फ़र्क ये था कि पिछली बार थोड़ा हम लेट हो गए थे, लेकिन इस बार जो है मैं पूरे अपने बिश्नाह से, अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जब तक, जैसे कि बड़े भाई साहब ने बताया कि जब तक कोई फीस स्ट्रक्चर इनका फिक्स नहीं हो जाता, जब तक ये अपना फीस स्ट्रक्चर जो फिक्सेशन एक कमेटी बनी हुई है उनको नहीं देते, तो मैं लोगों से ये हाथ जोड़ के अपील करूँगा कि ये अपने बच्चों की जो एडमिशन फीसेस जो हैं वो कोई किसी तरह के भी जो चार्जेस हैं वो स्कूल्स को ना दें।